खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रांस के बियारिट्ज में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति की मुलाकात। कश्मीर मुद्दे पर अमेरिकी मध्यस्थता की तमाम अटकलों पर पूर्ण विराम। कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को लेकर पीएम मोदी ने सिरे से खारिज किया। ट्रंप के सामने कहा, तीसरे देश को कष्ट नहीं देना चाहते। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कश्मीर मुद्दे पर ट्रंप का यू टर्न। कहा, उम्मीद है भारत पाकिस्तान मिलकर समस्या का समाधान करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, पीएम मोदी ने कश्मीर के सामान्य हालातों के बारे में बताया है, उम्मीद है कि अच्छे नतीजे आएंगे। इमरान खान को बीजेपी का करारा जवाब। पार्टी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा, इमरान मातम मना ले, कश्मीर में कुछ नहीं कर सकता पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल लागू किए जाने की रणनीति पर गृह मंत्रालय की बैठक आज। जम्मू कश्मीर में विभागों के कामकाज शुरू कराए जाने पर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह का वामपंथी उग्रवाद को लेकर बयान। कहा, नए भारत के निर्माण में वामपंथी उग्रवाद की कोई जगह नहीं। आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की मुश्किलें बढ़ी। कोर्ट ने 30 अगस्त तक रिमांड बढ़ाई। पी चिदम्बरम की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। उन्होंने ईडी के दर्ज के तहत दर्ज एफआईआर में गिरफ्तार न किए जाने की मांग की है। ईडी का पी चिदम्बरम पर आरोप। चिदम्बरम के 12 देशों में संपत्ति है, 17 विदेशी बैंकों में खाते हैं, फर्जी कंपनियां भी हैं। शशि थरूर के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में आज दिल्ली के कोर्ट में होगी सुनवाई। थरूर ने पीएम मोदी को जहरीला बिच्छू कहा था। आज रायबरेली के दौरे पर जाएंगी प्रियंका गांधी। निजीकरण के खिलाफ आंदोलन कर रहे रेल कोच फैक्ट्री के कर्मचारियों से मुलाकात होनी है। आज रायबरेली दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। योगी राणा बेनी माधव बख्श सिंह की जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से 3 दिवसीय वायनाड दौरे पर रहेंगे। बाढ़ के बाद राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे और प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। हरियाणा दौरे पर जाएंगे बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा। अंबाला में शहीद मेजर अमित आहूजा के घर जाकर परिवार वालों से मिलेंगे। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर शिवसेना और बीजेपी में ठनी। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना ने बीजेपी के 108 सीटों के प्रस्ताव को ठुकराया। एमपी में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोयाबीन फसल को हो रहे नुकसान को लेकर कमलनाथ सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। सर्वे और मुआवजे की मांग को लेकर समर्थकों के साथ गिरफ्तारी की। हरियाणा के करनाल में सीएम खट्टर की आशीर्वाद यात्रा में एक शख्स ने बेटे की नौकरी नहीं लगने की वजह से आत्मदाह की कोशिश की। काफिले में कई लोग झुलसे। यूपी में समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की आज बैठक है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी से राजभर अलग हुए थे। हाल ही में हुई अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात। यूपी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई थी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज शाम 4 बजे महागठबंधन की एक बड़ी बैठक होनी है। राबड़ी देवी के घर में यह बैठक होनी है। तेजस्वी, मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी मौजूद रहेंगे। बिहार में नीतीश के खिलाफ बना नया मोर्चा। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा और पूर्व सांसद अरुण कुमार शामिल मोर्चे में। दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कश्मीर से 370 हटाए जाने के मुद्दे को भुनाएगी बीजेपी। देश के 370 शहरों में महीने भर जन जागरण अभियान। जेल में बंद बाहुबली विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। नीलम देवी का दावा है, साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का अजीबोगरीब बयान। साध्वी ने कहा, विपक्ष बीजेपी नेताओं के खिलाफ मारक शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को जाएंगे। रूसी विदेश मंत्री सार्गेई लावरोव से द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर बात होनी है। जम्मू कश्मीर में लगातार सुधर रहे हैं हालात। घाटी में बाजार और स्कूल बंद रहे, लेकिन शहर में वाहनों की आवाजाही बढ़ी है। कई जगह बहाल की गई टेलीफोन सेवाएं। अयोध्या मामले में सुनवाई का आज 13वां दिन। निर्मोही अखाड़े के वकील दलीलें जारी रखेंगे। केंद्र सरकार को 1,76,000 करोड़ से ज्यादा का सरप्लस ट्रांसफर करेगा आरबीआई। सरकार को वित्तीय घाटे का लक्ष्य पूरा करने में मदद मिलेगी। मुंबई में आंदोलन कर रहे शिक्षकों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। सीएम आवास की ओर जाना चाहते थे आंदोलनकारी शिक्षक। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश और बाढ़ से सेब की फसल बर्बाद। किसानों को लाखों का नुकसान। एमपी के टीकमगढ़ में 6 मछुआरों का रेस्क्यू ऑपरेशन। बेतवा नदी के बीच बने टापू में फंसे मछुआरे।
एमपी के सीहोर में नेवज नदी में डूब रहे दो बच्चों की जान ग्रामीणों ने बचा ली। राजस्थान के बांसवाड़ा में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर। एमपी के बैतूल में तेज बहाव में बहा बाइक सवार, लोगों ने बाइक सवार की जान बचाई, वीडियो वायरल। एमपी के सागर में भारी बारिश बनी आफत, मालाघाट के पुल पर पानी भरने से आवाजाही ठप, घंटों तक एम्बुलेंस फंसी। वाराणसी में गंगा नदी के बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा है, घाटों पर कीचड़ और मिट्टी का अंबार लगा है। झारखंड के जमशेदपुर में मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त, प्रशासन ने स्कूल में छुट्टी घोषित की। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भूस्खलन की वजह से फंसे यात्री, एसडीआरएफ की टीम ने जान बचाई। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बारिश, हटसर सड़क मार्ग पर पुल बहा, मणिमहेश यात्रा को स्थगित किया गया है। उत्तराखंड के टिहरी जिले में भूस्खलन की वजह से NH-94 बंद। एमपी के विदिशा में बारिश से नाले का पानी सड़कों पर भरा, स्कूली बच्चों का वाहन सड़क पर फंस गया। एमपी के बैतूल में बारिश से 5 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, दरकने लगे हैं पहाड़। यूपी के झांसी में डीएम में भारी बारिश के बाद डैम पर सेल्फी न लेने की हिदायत दी है। एमपी के छिंदवाड़ा में भारी बारिश, माचागोरा बांध में सभी 8 गेट खोले गए, नदी नाले उफान पर, कई गांवों का संपर्क शहर से टूटा। राजस्थान के झालावाड़ में उफनती काली सिंध नदी किनारे सेल्फी खींच रहा युवक बहा, पुलिसकर्मियों ने बचाई जान। एमपी के जावरा में बारिश की वजह से जगह जगह जलजमाव। एमपी के शिवपुरी में भारी बारिश का कहर, रेलवे अंडरब्रिज में पानी भरा, लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। भारी बारिश की वजह से खरगोन में नर्मदा नदी उफान पर, महेश्वर घाट में पानी में डूबे। यूपी के शामली में एक बदमाश ने थाने में जाकर सरेंडर किया, बदमाश के खिलाफ हत्या लूट जैसे मामले दर्ज। यूपी के लखनऊ में इंजीनियर की हत्या मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, आरोपियों के पास से बाइक और अवैध हथियार बरामद। कोटा के विधि महाविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव में एबीवीपी के प्रत्याशी ने छात्रों को लुभाने के लिए बार बालाओं का डांस करवाया। उत्तराखंड के बागेश्वर में गुलदार का आतंक, गुलदार ने किया कुत्ते का शिकार, घटना सीसीटीवी में कैद, लोगों में दहशत। वर्ल्ड बैडमिंटनशिप चैंपियनशिप जीतकर भारत वापस लौटी पीवी सिंधु, बैडमिंटन एसोसिएशन और लोगों ने भव्य स्वागत किया। सिंधु ने अपने कोच पुलेला गोपीचंद और किम ज्यून को धन्यवाद कहा, कहा कोच के साथ विश्व चैंपियनशिप के लिए खास तैयारी की। सिंधु ने कहा, लोगों के साथ विश्व चैंपियनशिप की जीत का जश्न मनाने के बाद ओलंपिक खेल की तैयारियों में जुट गई। निशानेबाज अभिनव बिंद्रा का विश्व चैंपियन पीवी सिंधु को लेकर बड़ा बयान, कहा टोक्यो ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक लाएंगी सिंधु। जयपुर एयरपोर्ट पर कमांडो के लुक में दिखे महेंद्र सिंह धोनी, तस्वीरें वायरल। भारतीय टीम से धोनी की गैर मौजूदगी पर बोले पूर्व खिलाड़ी सौरभ गांगुली, कहा टीम को धोनी के बिना खेलने की आदत डालनी होगी। भारतीय कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के खेल से खुश नहीं वीरेंद्र सहवाग, कहा मौका मिला है भुनाओ। विजय हजारे टूर्नामेंट में तमिलनाडु की अगुवाई करेंगे अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज और आईसीसी विश्व कप 2019 में भारतीय टीम सदस्य दिनेश कार्तिक। एनसीए प्रमुख राहुल द्रविड़ को बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर का फरमान, 26 सितंबर को हितों के टकराव के आरोपों के चलते मुंबई में पेश होंगे द्रविड़। तीसरे एशेज टेस्ट में इंग्लैंड से मिली हार के बाद टिमपेन की कप्तानी पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी इयान चैपल ने सवाल उठाए। श्रीलंका न्यूजीलैंड सीरीज के दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड को मिली ऐतिहासिक जीत, एक पारी में 65 रन से जीतकर सीरीज को 1-1 से ड्रॉ किया। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिसबा उल हक ने पाकिस्तान के मुख्य कोच पद के लिए आवेदन किया है, हितों के टकराव से बचने के लिए बोर्ड क्रिकेट समिति से इस्तीफा दिया है। खेल मंत्री किरण रिजिजू का बड़ा बयान, बोले बीसीसीआई को नाडा के दायरे में लाना उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक। कल के प्रो कबड्डी मुकाबले में हरियाणा स्टीलर्स ने बंगाल वॉरियर्स को 26-33 से हराया, अंक तालिका पर 5वें नंबर पर हरियाणा पहुंच चुका है। कल खेले गए एक प्रो कबड्डी मुकाबले में यूपी योद्धा ने पुणे रिपल्टन को 35-30 से हराया है, अंक तालिका पर 7वें नंबर पर यूपी योद्धा है। अफ्रीकी देश सूडान में 2 महीने से हो रही भारी बारिश से आई बाढ़ में 65 लोगों की मौत, 100 लोग घायल। थाईलैंड में आर्मी की पूछताछ में एक व्यक्ति की मौत, परिजनों ने आर्मी पर पूछताछ के दौरान टॉर्चर का आरोप लगाया। व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति के बयान पर सफाई दी, कहा किम जोंग से फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप नहीं मिली।
हांगकांग में प्रदर्शनकारियों ने टोल बूथ में तोड़फोड़ की, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें।